तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और इसका कारण है कि बैक टू बैक बहुत सारे टूर हो गए थे और मतलब सोशल मीडिया में दिन प्रतिदिन मतलब ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट हो गया था। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन सोशल मीडिया को ब्रेक दे दिया जाए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। तो आज है संडे और मैंने सोचा क्यों ना फिर से ब्लॉगिंग में वापसी की जाए। और अभी मैं हूँ अपने घर पर और हमारे घर पर आए हैं गाँव से चाचा जी और चाची जी। तो चाची जी ने तो पकड़ रखा है छुटकू को और चाचा जी ऊपर छत में। बेसिकली हम सभी अभी तक छत में थे और हम लोग आ गए नीचे। तो छत में बिल्कुल मस्त हवा चल रही है, ठंडा ठंडा हो रहा है और नीचे आ गए तो आप देख ही रहे हैं कि कितना गर्मी हो रही है। तो चाची जी आई हैं यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग के लिए और इसने देखिए दादी को तुरंत दादी की गोदी को अपना घर बना लिया है और इधर आराम कर रहा है पढ़ाई। तो अभी लिख रहा है सुलेख, जो कि इसको स्कूल से गर्मियों की छुट्टियों का होमवर्क मिला है। और यहाँ पर है रश्मि, जो कि किचन की जिम्मेदारी संभाल रही है हमेशा की तरह। अभी सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो मैं भी थोड़ा सा अपना काम कर लेता हूँ। मैं बनाता हूँ सबके लिए बेल का जूस। बेल का जूस पिएगा आप? हाँ। बेल का जूस तो क्या घूट की गिलास? अच्छा, तो भाई साहब ये पी लेगा दो चार गिलास बेल का जूस। तो अभी बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कितना पीता है। रश्मि जी बेल का जूस पियोगे? हाँ जरूर। ओहो, आवाज़ नहीं आ रही है मुंह से लेकिन पी लेगी। तो बेल का जूस हो गया है रेडी और लगभग लगे मेरे को 5 से 7 मिनट। तो यहाँ पे देखिए आराम कैसा हो रहा है, टेस्टी। और चाची ने तो अभी टेस्ट नहीं करा है क्योंकि छुटकू सो गया है चाची की गोद में। तो छुटकू को पहले बिस्तर में सुलाएंगे, तब चाची बताएगी कि कैसा हो रहा है बेल का जूस। और चाचा जी ऊपर छत में हवा का आनंद अभी भी ले रहे हैं और मैं उनको वहीं पे छत में देके आ गया। मैंने कहा आप हवा का आनंद लेते लेते जूस पीजिए। तो चाचा जी भी आ गए हैं छत से नीचे यहाँ पे कमरे में और गर्मी का ये आलम है आप देख सकते हैं चाचा जी को। मतलब गाँव से जो भी लोग शहर में आते हैं उनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है। और जब मैं भी एक हफ्ते गाँव में रहा था और यहाँ आता हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। वैसे गर्म हो ही रहा है आजकल, 3-4 दिन से बहुत ही गर्मी हो रही है। और आज सुनने में आया था कि 42 डिग्री तक चले गया था टेम्परेचर यहाँ पे। तो पसीना आप देख सकते हैं और गर्मी है बेमिसाल। क्यों आ रहा हूँ, गर्मी कितनी हो रही है। और जूस कैसा हुआ? हुआ। बेल का जूस पिया था? कैसा हुआ? अच्छा था ना। तो रिव्यू लेते हैं सबसे कि बेल का जूस कैसा लगा। चाचा जी कौन होना चाहिए बेल का जूस? सुंदर, एकदम बढ़िया, बढ़िया। अच्छा चलो, बाकी चाची लोगों से भी लेते हैं रिव्यू अब। तो आ गया हूँ मैं अंदर कमरे में, चाची जी से रिव्यू लेते हैं कि बेल का जूस हो कैसा रहा था। तो चाची जी कैसा हो रहा था बेल का जूस? बहुत अच्छा। अच्छा, चाची जी को पसंद नहीं आया मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि चाची जी से मैंने पूछा कि दोबारा लोगे तो चाची जी ने एकदम मना कर दिया कि एक बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को। तो चाची को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो रश्मि से पूछते हैं कैसा हो रहा था। बहुत अच्छा भैया, पति की साइड तो लेनी नहीं है। है अरे इसका तो अभी ये देखो पूरा गिलास वैसे रखा है, तो पति की साइड तो लेनी पड़ेगी और मुझे भी इसकी साइड लेनी पड़ती है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा जो कि बन रहा है अभी। अरे देखो 10 मिनट सोया है यार फिर उड़ गया। हेलो बोल दो। हेलो, हाय कर, हाय हाय नहीं करेगा वो। तो चलिए अब चाचा जी कर रहे हैं कुछ काम और चाचा जी के साथ मैं हेल्प करता हूँ कुछ काम में अगर मुझे आया तो। पहले समझता हूँ कि करना क्या है, इसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो रहा है करके। तो देखिए कुछ अगर मेरे से हो पाता है तो। वैसे मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है और मेरे ख्याल से लिखने का बहुत काम है।